अभी तो कह रहे हैं ना कि जेडीयू के कई नेता उनका साथ छोड़ के, मतलब जेडीयू छोड़ के आ रहे हैं, इसलिए वो तो इसलिए कह रहे होंगे कि जेडीयू के जितने भी लोग हैं वो सब 90% लोग जो हैं उनका पृष्ठभूमि क्या है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के वोट से चुनाव जीत करके आए हैं ना, और आरजेडी के साथ लड़ करके आए हैं ना, इसलिए उनका तो निश्चित रूप से वो अभी उनकी सदस्यता ना चली जाए इसलिए उनके साथ में है, वो सबके सब छोड़ के, उनके मंत्री भी छोड़ के आने वाले, तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन जिस ढंग से नीतीश जी ने समझौता किया था उस ढंग से तो उनको करना चाहिए, अब पता नहीं क्या होता है। हम लोग तो इसी का इंतजार कर रहे हैं कि जंगल राज से अब गुंडा राज में तब्दील हो रहा है बिहार, और गुंडा राज से महागुंडा राज होने जा रहा है। तो अब बिहार में महागुंडा राज चलने लगा? बिल्कुल, अभी ही चल रहा है हर जगह पे। अभी मैं मिल करके हम लोग कांटे के बारे में बताया ही, उसके बाद में मैं अलग से फिर आई से मिल करके बताया, हमारे साहेबगंज में ही आए दिन लोगों की राहजनी हो रही है, और पुलिस क्रिमिनल गठजोड़ इस तरह से चल रहा है कि गुंडा नहीं इसको महागुंडा राज कहा जा सकता है। बीजेपी में आए या ना आए तो अलग की बात है, लेकिन कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति महागठबंधन में नहीं रह सकता। जिसके पास थोड़ा भी स्वाभिमान बचा होगा, अपनी राजनीतिक इच्छाएं के लिए कोई रह सकता है, स्वाभिमान बेच के रह सकता है, स्वाभिमानी व्यक्ति महागठबंधन में नहीं रह सकता। इसलिए वो बीजेपी में आए उनका स्वागत है, अलग पार्टी बना करके रहें स्वागत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ तो अब दो धाराएँ की बात बिहार में चल रही है, गठबंधन और महागठबंधन। मुकेश सहनी के लिए आने की संभावना? मुकेश सहनी को भी आना ही चाहिए, दूसरे कहाँ जाएंगे, वहाँ कोई जगह मिलेगी? पहले जो कहा करते थे पीठ में छोरा घोपा गया, तो पीठ में छोरा घोपने वाली बात तो हमेशा चलेगी ना वहाँ।